धनुराशि वालों 2020 आपको 7 बड़ी खुशखबरी देने वाला है, साथ में 2 प्रकार की सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं क्या है यह बड़ी जानकारी आपके लिए। धनुराशि वालों, इस वर्ष आपके राशि स्वामी गुरु ग्रह जनवरी फरवरी मार्च में आपके खुद के घर में रहेंगे, फिर 15 अप्रैल से पूरे वर्ष आपके धन भवन में रहेंगे। भोग एवं सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाले 20 जून को मंगल ग्रह का सुख भवन में प्रवेश होगा। शुक्र ग्रह का 31 जुलाई को प्रणय भवन में प्रवेश। शनि ग्रह 24 जनवरी से द्वितीय भाव में प्रवेश। इन गोचर ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर हम बताएंगे 9 खुशखबरी के साथ 2 सावधानियां। तो आइए जानते हैं। धनुराशि वालों, एक बात आप लिखकर ले लीजिए कि इस वर्ष में आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरु ग्रह धर्म के कारक तो माने जाते हैं, साथ में कार्य क्षेत्र व्यवसाय नौकरी में उच्च पद पदोन्नति एवं तरक्की के रूप में धन लाभ दिलाते हैं, जिसके चलते आपको सबसे बड़ी और पहली बड़ी खुशखबरी करियर में मिलने वाली है। 2020 के इस नए वर्ष में आपके करियर में काफी अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है। आपके नेतृत्व क्षमता से, कार्य कुशलता से सीनियर्स काफी प्रभावित होंगे, जिनके कारण प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने वाला है। मंदी की मार दूर होने से व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को बड़ा मुनाफा होगा। निश्चित ही आप नई योजनाओं पर कार्य करने में सफल रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी किस्मत को दोष देने वाले जातकों को मिलने वाली है। जी हाँ, लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अच्छी जगह स्थायी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में हो रही धन समस्या का तो समाधान होगा, साथ में पारिवारिक रिश्ते और भी मजबूत होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह संसार रूपी सागर में अकेले अकेले जिंदगी गुजार रहे लोगों को साथी के रूप में तीसरी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, सही साथी चुनने में कामयाब रहेंगे। जिनकी कल्पना आपने ख्वाबों में की है, वह साथी हमदम दोस्त प्रेमी प्राप्त होने से आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, जिनके चलते आपके पारिवारिक रिश्ते तो बेहतर होंगे, साथ में आपके रिश्तों में निखार आएगा, जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त करने में भी कामयाब रहेंगे। अभी 4 खुशखबरी सुनने से पहले 2 प्रकार की सावधानी से अवगत करा देते हैं। यह जान ले, फिर जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आप चतुर होशियार बुद्धिशाली होने के बावजूद आपकी पहली कमजोरी है, आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में थोड़ी उलझन होती है। आपको भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना होगा। आपकी दूसरी कमजोरी है किसी व्यक्ति पर जल्द ही विश्वास कर लेना। दोस्तों, वही अंधविश्वास आपको धोखा दे सकता है, चाहे प्रेम जीवन क्षेत्र में हो या फिर कर्म क्षेत्र में। बड़े बड़ों की नाव डूब जाती है, संभल कर रहे। आपको 5वीं खुशखबरी परिवर्तन योग से मिल रही है, जिनके कारण शिक्षा पाने के उद्देश्य से या फिर धन प्राप्त करने के लिए आप दूर देश यहां तक परदेश भी जा सकते हैं। आप में से कई जातकों को भविष्य संवारने का अवसर प्राप्त होगा। 6ठी खुशखबरी किस्मत को कोसने वाले लोगों को मिलने वाली है। 2020 के इस वर्ष में आप अपनी मेहनत और भाग्य के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। खुद के मकान का सपना, नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सपना, कर्म क्षेत्र में वृद्धि का सपना, निश्चित रहिए, नया मुकाम जरूर हासिल कर पाएंगे। 7वीं सबसे बड़ी खुशखबरी आपको धन योग के रूप में मिलने वाली है। पूरे वर्ष लक्ष्मी जी का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। इस वर्ष में धन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली, समय समय पर धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, जिंदगी आपको वह सारी खुशियां दिलाने वाली है, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी। सावधानियों को ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करना है। देवाधिदेव महादेव से हम प्रार्थना करते हैं, वह सारी खुशियां आपको प्रदान करे, जिसकी आपको तमन्ना है। यह थी धनु राशि वालों की खुशखबरियां और सावधानियां। वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।